उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो प्रदेश से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन अब उनके ही उपमुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में थोड़ी बहुत छूट देने की बात कह रहे हैं। करप्शन को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक अजीब सी बात कही है। 10 दिसंबर को हरदोई जिले के कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ठेकेदार दाल में नमक बराबर ही खाएं। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पिछली सरकारों के जो कारनामे पता चले वो चौंकाने वाले थे। सड़क निर्माण का काम सिर्फ कागजों पर हुआ और भुगतान कर दिया गया, लेकिन जमीन पर सड़क कहाँ बनी इसका पता ही नहीं था। मगर सड़क निर्माण के नाम पर अब भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, ठेकेदारों को सरकारी पैसा लूटने नहीं दिया जाएगा। हालांकि ठेकेदार व्यवसाय की तरह ठेकेदारी करें और दाल में नमक बराबर खाएं तो ठीक है, बड़ा घोटाला या गड़बड़ी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य की बातों का मतलब निकाले तो यही निकलता है कि ठेकेदार अगर थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करते हैं तो फिर उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। कार्यवाही तभी होगी जब बड़ा भ्रष्टाचार होगा। अब अगर मुख्यमंत्री ये बात कहें तो फिर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। जहां एक और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, वही दूसरे नेता इस तरह के बयान दे फिर करप्शन का खात्मा कैसे होगा। केशव प्रसाद मौर्य की बात पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा देश दुनिया की हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।